हेलो नमस्कार दोस्तों, मिस्टीज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ अनार और चुकंदर के जूस की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी बनता है, साथ में हेल्दी भी होता है। आप इसे आसानी से बहुत ही कम टाइम पे घर पे बना के तैयार कर सकते हो, जिसे बड़े या बच्चे बहुत ही आसानी से इसे पी सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, तो एक बार जरूर ट्राई करें। कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने बीटरूट लिया है, इसके छिलके हमने निकाल दिए, अच्छे से धुल लिया है, वॉश कर लिया है, टुकड़ों में कट कर लिया। इसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है, क्योंकि हम इसे नॉर्मल मिक्सर में बना रहे हैं। अनार के दाने हैं, दो अनार के दाने हैं ये। मैंने एक बड़ा साइज का बीटरूट लिया था और दो अनार के दाने हैं, मीडियम साइज के अनार लिए थे हमने। मिक्सर जार में हमने दोनों डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक कटोरी हमने डाली, एक से दो कटोरी हमें डाल देना है। पानी नहीं डालेंगे तो चुकंदर अच्छे से पिस नहीं पाएगा। ये देखिए, हमें बंद कर देना है मिक्सर जार को, अच्छे से हमें इसे पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना अच्छे से 5 से 10 मिनट। ये देखिए हमने ग्राइंड कर लिया है। ये अभी दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है, अभी हम इसे छानेंगे स्ट्रेनर की हेल्प। चुकंदर और अनार दोनों ही बहुत ही फायदेमंद होता है, हमारे शरीर में खून की कमी को पूरा करता है, और जिन्हें चश्मा लगता है वो तो चुकंदर जरूर अपने रूटीन में शामिल करे। आंखों के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है। ये देखिए, हमें अच्छे से छान लेना है, स्पून के हेल्प से अच्छे से दबा के इसे छान लेना है, सारा जूस अच्छे से निकाल लें। अगर आपको लग रहा है कि पेस्ट जो बच जाएगा वेस्ट जाएगा, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाता है। आप इसको आटे के साथ गूंथ कर पूड़ी या पराठे बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, साथ में हेल्दी भी होते हैं। मैंने इसके पराठे की वीडियो भी बना रखी है, आप हमारे चैनल में वीडियो में जाकर इसे देख सकते हो। ये देखिए, हमने अच्छे से छान लिया दबा के, हमने सारा जूस निकाल लिया है। सारा जूस हमें अच्छे से निकाल लेना है इससे। ये देखिए, हमने छान लिया, छानने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इसका कलर कितना अच्छा आया है ये देखिए। ये नेचुरल कलर है, मैंने इसमें कोई भी कलर नहीं मिलाया है। अनार डालने के बाद हमें इसमें शुगर डालने की भी जरूरत नहीं होती है, नेचुरल मिठास इसमें आ जाती है। ये हमने काला नमक आधा चम्मच लिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ब्लैक सॉल्ट का इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, जरूर डालें। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें सर्विंग ग्लास में से निकाल लेना है। आप इसमें कुछ आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, या फिर ऐसे भी पी सकते हैं। हम बीटरूट का टुकड़ा थोड़ा सा लगा देंगे इसमें, इसे ये देखने में और भी अच्छा लगे। ये देखिए, हमने बीटरूट का पीस लगा दिया साइड में ग्लास में। ये देखिए, हमारे टेस्टी एंड यम्मी हेल्दी जूस बनके तैयार है। आप इसे जरूर ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।